रियलिटी शो में सुसाइड की कोशिश ये है ओविया हेलन। बीते कुछ दिनों से रियलिटी शो बिग बॉस तमिल खूब चर्चा में है। शो के कंटेंट पर खूब आपत्ति जताई गई है। शो को बंद करने को लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। इस शो में जिस एक कंटेस्टेंट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसका नाम ओविया हेलन है। ओविया हेलन पिछले दिनों शो से बाहर हो गई। वह तब चर्चा में आई जब शो के दौरान ही उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। इसके बाद ही ओविया को शो से बाहर कर दिया गया। खबर है कि इसके बाद से ही शो की टीआरपी घट गई है। ओविया के फैंस शो मेकर्स ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि इसके लिए शो मेकर्स ने ओविया से बातचीत भी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि ओविया को पहले जहां हर एपिसोड के लिए 2-5 लाख रुपए फीस मिलती थी, वहीं अब दोगुनी फीस के साथ उन्हें शो में री एंट्री करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि ओविया बिग बॉस के घर में मौजूद स्विमिंग पूल में कूद गई थीं। उन्होंने इस तरह खुद को डुबाने की कोशिश की, लेकिन कंटेस्टेंट्स ने उन्हें देख लिया और बचा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओविया शो में कंटेस्टेंट आरव को पसंद करने लगी थी, लेकिन आरव ने उनके बेहद करीब आने के बावजूद प्रपोजल ठुकरा दिया। इसी बात से आहत ओविया ने खुद की जान लेने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओविया की सुसाइड की कोशिश के बाद पुलिस बिग बॉस के घर में पहुंची थी। हालांकि शो मेकर्स ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है। गौरतलब है कि 26 साल की ओविया तमिल एक्ट्रेस है। उन्होंने तमिल भाषा की कलवानी 2010, अगरथी 2011, मरनिया 2012, पुलिवाल 2014 और 144 2015 जैसी फिल्मों में काम किया है। साल 2015 में ओविया ने बॉलीवुड फिल्म ये है इस सरफिरा में भी काम किया था। ओविया का जन्म 29 अप्रैल 1991 को हुआ है। ओविया ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। साल 2007 में मलयालम फिल्म कंगारू से डेब्यू करने वाली ओविया 2010 में रिलीज कॉमेडी फिल्म कलवानी से चर्चा में आई। ओविया हेलन ने अंग्रेजी विषय से ग्रेजुएशन किया है।